माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपके लिए लेके आया हूँ आज नई चीज़ें। सोच रहा हूँ सर ऐसा क्या है, लास्ट 30 डेज फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होगी, लास्ट मंथ है आपके पास, अब कैसे पढ़ेंगे सर। प्री बोर्ड खत्म हो चुका है, प्रैक्टिकल भी स्कूल में चल रहे हैं, अब हमारे पास लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी क्या होगी। शेड्यूल भेजिए आपका, मैं उसी स्ट्रैटेजी के लिए बता रहा हूँ। क्या टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास, क्या प्लानिंग होना चाहिए जिसमें आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पढ़ना शुरू किया, आपने एक बार प्री बोर्ड लिख दिया है, अगर आपने एक बार प्री बोर्ड लिख दिया है तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एग्जैक्टली उसमें कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो जो टॉपिक उसमें आपको लगता है कि ये मेरा वीक सेक्शन है, ये फिलहाल जो अभी आपके पास वक्त है, इस वक्त में सबसे पहले अपने वीकर सेक्शन पे आप जो है वो फोकस करें ताकि आपका वो पोर्शन स्ट्रांग हो सके। दूसरी बात, प्री बोर्ड जब आपने दिया होगा तो आपने एक चीज और देखा होगा कि मार्क्स मेरे कहाँ कट रहे हैं। जैसे खास करके मैं अगर केमिस्ट्री में बात करता हूँ तो केमिस्ट्री में 3 डिफरेंट सेक्शन आपके पास दिखते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल अलग सेक्शन है, न्यूमेरिकल सेक्शन है, मैथमेटिकल सेक्शन है, इनऑर्गेनिक में लर्निंग सेक्शन है, रिएक्शन को लर्न करना आपको, रीजनिंग क्वेश्चन हैं, ऑर्गेनिक में भी आपके पास रिएक्शन सेक्शन हैं। तो अब आपके पास दिमाग में आता है कि सर क्या स्ट्रैटेजी होगी फिजिकल के लिए, क्या इनऑर्गेनिक के लिए, क्या ऑर्गेनिक के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर केमिस्ट्री में अभी भी आप फेल कर गए हो, आपको बिल्कुल मत घबराना। अगर आपने प्री बोर्ड में फेल भी कर गया तो भी आप 70+ स्कोर कर सकते हो। आपके पास एक सोच होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए और एक 30 डेज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप सोचोगे सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप सबसे पहले ईजी और थ्योरेटिकल चैप्टर को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से पहले आपको 30 तक पहुँचना है, देन नेक्स्ट टारगेट लेना है। आप सोचोगे सर फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सरफेस केमिस्ट्री जरूर पढ़िएगा, 4 मार्क्स, बहुत आसान चैप्टर में से एक। डी ब्लॉक 5 मार्क्स, बहुत आसान और छोटा चैप्टर है, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके पास 9 मार्क्स बनेंगे, राइट। 9 मार्क्स के अलावा 3 मार्क्स आप एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, 9 और 3 12 मार्क्स बनेंगे, और उसके बाद आप 3 मार्क्स जो है वो पॉलीमर पढ़ेंगे, 12 और 3 15 मार्क्स बनेंगे। 15 मार्क्स यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो चुका है, आपने बहुत कम पढ़ा, क्योंकि ऐसे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ जिसको बहुत कम पढ़ना है। आप सोचोगे सर कितने क्वेश्चन तैयार करेंगे, कहाँ से तैयार करेंगे। अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री तैयार करना है तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार सीक्वेंस में सब कुछ आपको आ जाएगा। और एवरीडे लाइफ पॉलीमर जैसे चैप्टर के लिए मेरा जो छोड़ दो और फोड़ दो का सीरीज चल रहा था, जो अभी आगे कंटिन्यू भी होने वाला है अभी बहुत जल्दी, उस सीरीज का कुछ पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन बोर्ड में एज यूजुअल आने वाले हैं। तो बहुत कम मैंने क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, जो गारंटेड क्वेश्चन है 100%, उस गारंटेड क्वेश्चन को पढ़िए, आप स्कोर निश्चित है आपका। इसके अलावा 15 मार्क्स के बाद आपको बायोमॉलिक्यूल्स आता है। बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो 3 मार्क्स का बायोमॉलिक्यूल्स आसान चैप्टर में से एक है। अगर आप 15 और 3 देखेंगे तो 18 मार्क्स का कवरेज आपके पास आ रहा है, राइट। अब आपके पास लगेगा कि सर 18 हो गया है, अब मुझे आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है तो हम कौन सा चैप्टर ऐसा कवर करें जहां पे स्कोर ज्यादा है और मुझे पढ़ना कम पड़ेगा। उसके लिए आप पी ब्लॉक पढ़िए। आप सोचेंगे सर पी ब्लॉक तो इतना बड़ा है, मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। आपको पता नहीं पी ब्लॉक पढ़ना कैसे है, पी ब्लॉक में आपको रिएक्शन की लर्निंग करनी है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है आपको भी पता है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है आपको भी पता है। अब इन 3 कैटेगरी में आप देख लीजिए कि कितने टाइप के रिएक्शन है, कितने टाइप रीजनिंग क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता चले तो मैंने सीरीज डाला हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पी ब्लॉक का, आप जरूर एक बार उसको देखिएगा। अगर आप उसे देख लिए और उतना क्वेश्चन कर लिए, बिलीव मी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 7 मार्क्स होगा और 18 और 7 मार्क्स आपके पास जो है वो 25 मार्क्स सीधा कवर करेगा, पास फ्री हो गया। ऑलमोस्ट 40% स्कोर पे आप पहुंच चुके हैं, बहुत कम आपने पढ़ा, सारे बड़े चैप्टर आपने छोड़ दिए और उसके बावजूद भी आप 40% स्कोर करने जा रहे हैं। अब बचा आपका 3 मार्क्स में, अगर बात करूं एडिशनल 3 मार्क्स, तो कोऑर्डिनेशन। आप सोचोगे सर कोऑर्डिनेशन में इतना पढ़ेंगे, इस बार क्वेश्चन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो है वो, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिर्फ ये 2 टॉपिक अगर आप तैयार करते हैं तो 3 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 3 मार्क्स कंप्लीट होते आप 28 मार्क्स 29 मार्क्स की तरफ चले जाएंगे, 28 और 29 मार्क्स में आप जाएंगे। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो आपके पास होना चाहिए ये इन चैप्टर को लेकर होना चाहिए। अब अगर मैं आपको सॉलिड स्टेट की बात करता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में 4 मार्क्स का चैप्टर है। अगर आप 4 मार्क्स देखते हो फिजिकल में, आप उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन से अगर डर लगता है तो आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर लो, उसमें थ्योरी क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल में डेंसिटी के न्यूमेरिकल मैक्सिमम आने के चांस रहते हैं तो आप उसको कर जाइए, और बाकी थ्योरी में डिफरेंस वगैरह डेफिनेशन वगैरह देख जाइए, एनएफ आपके पास, राइट। तो इस तरह से आपको मिलेगा टोटल 29 और 4 जाके 33 मार्क्स आपको मिले यहां से, ठीक है। अब अगर आप 33 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं तो ऐसे ही आपको फिजिकल के चैप्टर को कवर करना है,
उस जिसमें आपको नमारिकल और थ्योरेटिकल दोनों सेक्शन को डिवाइड कर देना, ठीक है। अब जब भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो चैप्टर में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके पास होगी वो होगी कि सर टफ पोर्शन क्या है और उस चैप्टर का इजी पोर्शन क्या है। जो टफ पोर्शन है उसको आप ज़्यादा रिवाइज करें और इजी वाले को कम करें, टाइम सेव स्कोर ज़्यादा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रैटेजी जो 30 डे में आपको फॉलो करना है। अब ऑर्गेनिक की अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक में मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक में 4 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन नेम रिएक्शन पे होता है, चाहे वो नेम रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग करके आए, चाहे वो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स है नेम रिएक्शन पे। तो जितने आपके पास नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक के उसको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और उसको आसानी से पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत सुविधा होगा। मैं अभी नेम रिएक्शन का भी एक वीडियो दूंगा आपको जिसमें पूरे ऑर्गेनिक का एक नेम रिएक्शन रहेगा और विद एक्सप्लेनेशन, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इससे आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा और कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग क्या बोल रहा हूँ, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश से पूछता है। डिस्टिंग्विश कैसा सर, जैसे आपको पूछेगा एसिटल्डिहाइड और एसीटोन का डिस्टिंग्विश करो, आपको बोलेगा इथेनॉल और फिनॉल का डिस्टिंग्विश करो। तो ये जितने डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन हैं केमिकल टेस्ट वाले, ये सारे 7-8 केमिकल टेस्ट जो आपके सिलेबस में हैं उनको आप एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, 2 नंबर आपका वहाँ से पक्का हो गया। आपने कम पढ़ा, सिर्फ 1.5 पेज आपने तैयार किया, 2 नंबर आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको एक प्लान आउट कर लेना है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ताकि आप बहुत कम टाइम में इजिली, कुछ नहीं भी आपने पढ़ा, अगर फेल भी हो गए आप प्री बोर्ड में, डजेंट मैटर, आप 50+70 में आउट ऑफ 70 अगर मैं बात करूं तो 50+ मतलब 70%+ स्कोर करने जा रहे हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपना लिए। अगर आपको यह पता चल गया कि मुझे किसे पढ़ना था, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए था, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, अगर 7 से 8 नंबर 7-8 नंबर ऑर्गेनिक में कवर कर सकता है अगर आप एक साथ पूरे एरोमेटिक का फिगर रखें। आप सोचेंगे सर पूरे एरोमेटिक का फिगर कैसे होगा, एराइल हैलाइड, हेलोरिन्स, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिसॉल, बेंजोइक एसिड, एनिलीन और एक डाइजोनियम का कंडीशन भी। आप सोचोगे सर इनमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे पता चलेगा, इनकी प्रॉपर्टी आपको एक साथ पढ़ना है। अब इनके क्वेश्चंस क्या बनेंगे इसका मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा एरोमेटिक के ऊपर, आप उस पीडीएफ को देखिएगा, पूरा थोरली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इससे अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े और अगर इस स्ट्रैटेजी को अपना लिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना था, मैं श्योर हूं कि आप 75%+ स्कोर करने जा रहे हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अगर आप 40% पहले स्कोर कर रहे थे तो आप मान के चलिए कि लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटेजी आपको 90+ दिलवाएगा। तो आपको इसी के लिए चलना है और इसी विजन के साथ चलना है, अच्छा खाना है, हेल्दी माइंड रहना है, नींद पूरी लेना है और किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। अपने टाइम टेबल को अरेंज कर लीजिए, आपका नेक्स्ट प्री बोर्ड भी होने वाला होगा, किस दिन प्रैक्टिकल है, हर एक बच्चे का प्रैक्टिकल अलग अलग है, देख लीजिए इस दिन शेड्यूल क्या है और हर अगले दिन की स्ट्रैटेजी आज के रात में सोने से पहले तैयार हो जानी चाहिए। आज हमें पता होना चाहिए कि मैं कल ये पार्ट पढ़ने जा रहा हूं और उसको फिनिश करना है। जब आप एंड ऑफ द डे चलेंगे तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आज का वर्क मैंने कंप्लीट किया, अगर मैंने कंप्लीट किया तो मेरा विजन बिल्कुल साफ है, दिख रहा है विजन, मैं बहुत अच्छा रिजल्ट करने जा रहा हूँ। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और यहीं पढ़ते रहिए और मेरे साथ यहीं बने रहिए, मैं आपके पास बहुत सारे वीडियो अभी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।